नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बीजेपी ने आज 2014 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई अहम वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जहां महंगाई पर काबू करने की बात कही है, वहीं हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की भी बात कही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि तीनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता से क्या क्या वादे किए हैं। कांग्रेस की बात आप देख सकते हैं, रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत। बीजेपी रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत नहीं, बिजनेस का सही माहौल तैयार करेगी, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। सभी नागरिकों को सेहत का अधिकार, कांग्रेस का कहना है। हर राज्य में एम्स की स्थापना का वादा किया है बीजेपी ने। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया आम आदमी पार्टी ने। 10 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा दिया कांग्रेस ने। बीजेपी की अगर हम बात करें तो हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की बात अपने मैनिफेस्टो में कही है बीजेपी ने आज। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटाकर 21 करने की बात कही है। युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश, इसे कहा जा रहा है। काला धन वापस लाने के लिए योजना, कांग्रेस कह रही है कि वो ऐसा करेगी अगर दोबारा सत्ता में आती है तो। बीजेपी का कहना है कि काला धन वापस लाने के लिए टास्क फोर्स वो बनाएगी। और सत्ता आने पर अपना जन लोकपाल बिल लाएगी आम आदमी पार्टी, ये कहना है। काला धन के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है आम आदमी पार्टी ने। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन होगी, ये बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। बीजेपी ने स्वर्णिम चतुर्भुज बुलेट ट्रेन की योजना की बात कही है। तमाम जो पुल हैं रेलवे के जो टूट गए हैं उन्हें सुधारने की भी बात कही गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा है। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग को पेंशन देने की बात कांग्रेस ने कही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने की बात कही है। ये सब अपने अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ इन्होंने कहा है वो आपको बता रहे हैं। स्वराज बिल लाना हमारी प्राथमिकता है, ये आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है। सांप्रदायिक हिंसा बिल को प्राथमिकता देंगे, ये कांग्रेस ने कहा है। अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर होगा, बीजेपी ने कहा है। सांप्रदायिक हिंसा बिल से जुड़ी कोई बात इसमें नहीं है बीजेपी में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तय सीमा में काम खत्म करने पर जोर देने की बात आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है।